हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 का एनालिसिस, देखेंगे कि अभी मार्केट कैसा मूवमेंट हो रहा है एंड हमारा ट्रेड का क्या प्लान होना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से एंड देखेंगे कि बैंक निफ्टी का मोमेंटम कैसा हो सकता है। तो अगर आज का देखें तो देखिए, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल में अराउंड 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है जो कि रिजेक्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे बियरिश कैंडल बनाया एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजेक्शन दिख रहा है। इन बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बावजूद मार्केट कंटिन्यूएशन में अपसाइड मूवमेंट नहीं हुई है और यहाँ से फेल डाउन होने लगी। देखिए तो देखिए, ये बहुत बड़ा रिजेक्शन है, ये वाला लेवल के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। देखिए क्योंकि जो कि फर्स्ट कैंडल है वो जो लो बनाया है, तो आज के लो ब्रेक होने का हम लोग को वेट करना चाहिए। अगर आज का लो ब्रेक होती है तो उसके बाद हम लोग एक स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला लो ब्रेक हुई, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ट्रेड का प्लान करना चाहिए। एंड यहाँ पे ट्रेड का प्लान करने के बाद देखिए, अगर तो यहाँ पे हमारा ट्रेड का प्लानिंग होना चाहिए एक स्मॉल क्वांटिटी में। स्मॉल क्वांटिटी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए ये वाला लेवल भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, यहाँ से ही मार्केट बहुत बड़ा फेल डाउन हुआ है, कंटिन्यूअसली साफ सेलिंग आई है। तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक होती है तो हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल क्वांटिटी में एंट्री ले सकते हैं। एंड देन अगेन ये वाला लेवल अगर ब्रेक होकर नीचे की तरफ आती है तो हम लोग अपना क्वांटिटी एड कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन में मार्केट नीचे नहीं आई और एक साइडवेज चली गई। तो अगर हम यहाँ पे देखें आज के लो ब्रेक होने के बाद का देखें तो ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। यहाँ से मार्केट कुछ देर साइडवाइज में रखा है एंड फिर से एक ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई किया जो कि फेल हो गया एंड यहाँ से फिर से रिवर्सल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आने के लिए अभी रेडी नहीं है एंड फिर से अपसाइड मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट स्ट्रांग दिख रही है क्योंकि ये ब्रेकआउट देने के बावजूद नीचे नहीं आया और यहाँ से एक रिवर्सल ले लिया। तो आज का जो क्लोज हुआ है वो एक आज का हाई को ब्रेक करने के बाद इमीडिएट यहाँ पे क्लोज हुआ है। देखिए तो एक अच्छा साइन दिख रहा है यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए कि अगर ये वाला लेवल फिर से ब्रेक होके अगर ऊपर की तरफ जाती है, दैट मीन्स अगर ये 41,900 के अबव चली जाती है तो हम लोग फिर से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूएशन में अपसाइड मूवमेंट होगी। क्योंकि अगर नीचे आना रहता तो देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आने का पूरा चांस था जो कि रिजेक्ट हो गया है यहाँ से एंड रिवर्सल ले लिया है। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रांग दिख रही है और यहाँ पे देयर आर हाईली चांसेस कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट दे। अगर हम लोग चार्ट का देखें तो चार्ट के अकॉर्डिंग ये अभी स्ट्रांग दिख रही है एंड यहाँ से कंटिन्यूएशन में ऊपर जाने का हाईली चांसेस है। एंड देखते हैं कि हम लोग को नेक्स्ट डे का कैसे ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। देखिए अगर ये वाला लेवल पे यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होती है समवेयर अराउंड हियर, अगर 900 के अबव 41,900, तो हम लोग यहाँ पे एक इमीडिएट बाई का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से स्ट्रांग दिख रही है मार्केट, आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद पूरा रिवर्स ले लिया है, पूरा गैप फिल कर लिया है। तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर जा सकती है। तो अगर ये 40,900 के ऊपर ओपन होती है तो हम लोग यहाँ पे एक इमीडिएट बाई का प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट स्ट्रांग दिख रही है। एंड सपोज ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है सर, सपोज 42,000 के ऊपर, अगेन हम लोग को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, 5-15 मिनट तक का हम लोग को वेट करना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देती है तो हम लोग कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड मूवमेंट के लिए। देखिए अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो हम लोग को ऑलवेज अपना इसका प्रीवियस लो का हम लोग को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। देखिए 41,600 के नीचे यहाँ पे सेलिंग का दिख रहा है, यहाँ पे चांसेस 41,600 के अगर नीचे आ जाती है तो हम लोग यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन में आने का चांसेस रहेगा। नाउ मूविंग इनटू निफ्टी 50, देखते हैं कि निफ्टी 50 का कैसा मोमेंटम रहा है एंड इसमें हमारा ट्रेड का कैसा प्लानिंग होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग देखें आज का कैंडल तो देखिए निफ्टी 50 इज मोर क्लियर देन बैंक निफ्टी। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद ये फर्स्ट कैंडल रिजेक्ट हुआ है एंड उसके बाद निफ्टी 50 कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ मूवमेंट दिया है। तो यहाँ से हम लोग को एक चांस था कि हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड कर सकते थे, बट यही अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो हम लोग को बैंक निफ्टी में कोई भी चांस नहीं मिला ट्रेड लेने का एंड निफ्टी 50 में कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा हम लोग को एंड यहाँ पे इमीडिएट रिवर्स नहीं लिया है। उसके बाद फिर से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में होके फिर से कंटिन्यूएशन में डाउनसाइड मूवमेंट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 बहुत वीक हो गया था एंड यहाँ पे कंटिन्यूअसली डाउनसाइड मूवमेंट हुआ है। एंड इसके बाद अगर देखे तो देखिए जो प्रीवियस लेवल है, इस लेवल इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट बिकॉज प्रीवियस लेवल से हमेशा चांसेस रहता है कि मार्केट एक रिवर्सल में जा सके। अगर प्रीवियस लेवल अगर जब तक ब्रेक नहीं करती है
अगर निफ्टी 50 में यहाँ पे ट्रेड किए हैं तो देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्रीवियस लेवल है वहाँ उसके ऊपर ही हम लोग को एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस लेवल से देखिए यहाँ पे हमेशा चांस रहता है कि यहाँ से रिवर्सल ले ले, तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स हुआ है एंड सेम ये क्लोज हुआ है वो आज के हाई के पास जाके क्लोज हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए अगर अभी हम देखें तो 18,200 के ऊपर जो है वो स्ट्रांग दिख रहा है, यहाँ से फिर से कंटिन्यूएशन में मार्केट जा सकती है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर 15 मिनट टाइम स्पेंड करती है इस जगह पे एंड ब्रेकआउट देती है, दैट मीन्स कि यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर जा सकती है। तो हम लोग को इसका एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल का वेट करना चाहिए, उसके बाद हमारा ट्रेड का प्लान होना चाहिए अपसाइड मूवमेंट के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस, आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।